शादी के सपने दिखाकर युवती से दुष्कर्म करने का मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हिरासत में ले लिया है। नागपुर के मानकापुर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना प्रकाश में आई है। आरोपी हिवरी नगर नंदनवन निवासी मोहम्मद इरशाद फारूक अंसारी उम्र 23 वर्ष के खिलाफ मानकापुर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी आरोपी से 7 अगस्त 2021 को पहचान हुई। आरोपी ने शादी के सपने दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ अश्लील मैसेज के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इस मामले में मानकापुर थाने के पुलिस उप निरीक्षक संगे ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता जी आहे तिला 2020 मध्ये मुलाकडून रिक्वेस्ट आली, तिने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आणि त्या प्रकारे त्यांचं चॅटिंग सुरू झालं फेसबुकवरून, मग अशी ओळख झाली, मग एकमेकांमध्ये ते भेट झाली त्यांना 2021 मध्ये त्यांची भेट झाली। त्यानंतर त्यांचे शारीरिक संबंध आले, मुलगा कायम म्हणायचा तिला की मी तुझ्यासोबत लग्न करतो म्हणून, आणि मग त्या ह्याच्याने ती त्या संबंधाला तयार झालेली होती। मात्र नंतर काही दिवसानंतर त्यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला की या मुलीचे इतरही कुठेतरी संबंध असतील म्हणून या गोष्टीवरून वाद तयार झाला त्यांचा, आणि त्यांनी इंस्टाग्रामवरून तिची बदनामीकारक वाक्य हे करून तिची बदनामी करायला सुरुवात केली। या त्रासाला या जाताला कंटाळून पीडिता आमच्या पोलीस स्टेशनमध्ये आली, आम्ही गुन्हा दाखल केला, आरोपीला अटक केलं। आरोपीला 2012 PCR आहे। आरोपी आहे मोहम्मद इरशाद फारूक अन्सारी, वय 23 वर्ष, राहणार नंदनवन हद्दीमध्ये। सध्या तो आमच्या कस्टडीत आहे, पुढील तपास आम्ही करीत आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान, BCN न्यूज नागपूर।